ईशा दोषी, क्या क्या मिलता है मेरे यहाँ? हैंडमेड चॉकलेट्स मिलती हैं। हाँ, मेरे पास हैंडमेड चॉकलेट्स हैं, 10 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ ईच चॉकलेट्स भी हैं। और अभी राखी ओकेजन है तो राखी के हिसाब से मेरे पास बहुत सारी रेंज है जिसमें मैंने कस्टमाइज़ की हुई है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो ये कर सकते हैं। उससे अच्छी चीज़ ये भी है कि ये आप अपने दिल की बात जो आप किसी को कहना चाहें वो मैसेज के थ्रू कह सकते हैं। तो अभी राखी का त्यौहार है तो मैंने हैप्पी राखी के हिसाब से बनाए हैं। उसमें आपको ये 2-3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। एक ये एडिबल हार्ट बॉक्स है जो पूरा गिफ्ट कर सकते हैं आप किसी को, ये पूरा एडिबल है। और इसके अलावा मेरे पास सेलिब्रेशन बॉक्स है जो कि राखी के लिए स्पेशली मैंने बनाए हुए हैं, जिनमें अलग अलग रेंज भी है। मेरे पास 150 से लेके 300 तक की रेंज है। तो इस टाइप से मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने बहनों को और भाइयों को गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये भी राखी का ही है पूरा, भाई बहन बने हुए हैं एक दूसरे को राखी बांधते हुए। इस टाइप से एक मेरे पास एक ये राखी बार भी है जो कि बहुत छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर सा गिफ्ट है जो आप अपने बहन को दे सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी रेंज है राखी के लिए। नहीं, ये मेल्ट नहीं होती, सिर्फ गर्मी में मेल्ट होती है, बाकी नॉर्मल टाइम में बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती। और इनकी लाइफ अच्छी रहती है क्योंकि ये फ्रेश चॉकलेट्स रहती हैं। और आप इनको 6 महीने तक भी इजीली रख सकते हैं, 6 महीने से 1 साल तक ये कभी ख़राब नहीं होती, टेस्ट भी चेंज नहीं होता है इनका। हाँ, ये मैं खुद ही सब कुछ बनाती हूँ। कैसे आइडिया है बनाने का? ऐसे ही जब लॉकडाउन था तो घर में बैठे हुए थे, तो लॉकडाउन में मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो मैंने, मुझे इंटरेस्ट भी था, तो फिर मैंने चॉकलेट स्टार्ट करी। हाँ, हुआ है। जब पहली बार सब किया तब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि गर्मी में कितने टेम्परेचर में कितना रखना चाहिए, तो उस वक्त मेरा नुकसान भी बहुत हुआ, बहुत मेल्ट हुई। लेकिन जब अब मुझे धीरे धीरे उसमें मैं आगे बढ़ी और मुझे समझ में आता गया, तो अब मुझे समझ में आ गया कि गर्मी में अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। मैं गर्मी में कुरियर करती हूँ, तो उसको आइस बॉक्स के थ्रू मैं कुरियर करवाती हूँ। मेरा ऑल ओवर इंडिया में जाता है, मुंबई, दिल्ली, पुणे, गुजरात में अहमदाबाद, जामनगर, राजस्थान में जयपुर, जैसलमेर, एमपी में इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां मेरा कुरियर जाता है। मैं खुद अकेले करती हूँ। सर, ये वाला जो है ये 250 रुपीज़ की रेंज का है, बहुत नॉमिनल रेट्स हैं मेरे पास। जो कुरियर करती हैं वो क्या चीज़ है? कुरियर में जो भी जैसा मांगते हैं, ये 250 रुपीज़ का है। ये सब चॉकलेट? हाँ, जैसे ये रम फ्लेवर है, ये रोज पेटल है, ये बट कैरेमल है, ये ऑरेंज है, इस तरीके से पान है, ड्राई फ्रूट्स हैं, लेमन है, इस तरीके से बस 20+ फ्लेवर्स हैं। और इनमें रेंज 10 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ है। आप एक सब खुद ही बनाती हैं? हाँ जी, मैं खुद ही बनाती हूँ, पैकिंग में मैं खुद ही करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।